अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जदीद प्रॉब्लम्स जो करंट इश्यूज हैं, करंट अफेयर्स हैं, जो इस्लाम से रिलेवेंट हैं, रिलेटेड हैं खास तौर पर, उनमें से डोमेस्टिक वायलेंस बिल था, ट्रांसजेंडर एक्ट है, इसी तरह से एम्पलीफायर एक्ट था उससे पहले, इस तरह से और डिफरेंट एक्ट्स और ऑर्डिनेंसेस पास होते हैं जो जिन पर तनकीद होती है हल्का इस्लाम की तरफ से, उलमा की तरफ से, और वो बजा होती है और ठीक होती है। लेकिन इंटरव्यू में हम किस तरह से उनसे रिलेटेड आंसर करेंगे? मेरी बात को गौर से समझ लें। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि वो बिल्कुल नाजायज़ होती है तनकीद या गलत होती है, तरीका गलत होता है, बिल्कुल वो ठीक होती है। उलमा ही ये काम करते हैं और उलमा को ही करना चाहिए। लेकिन इंटरव्यू की बात कर रहे हैं हम, जहाँ तक बात चल रही है वो इंटरव्यू की। अच्छा, इंटरव्यू में पहली बात तो यह है कि आपको ए टू जी सारा पता होना चाहिए उस एक्ट के बारे में, उस ऑर्डिनेंस के बारे में, उस बिल के बारे में, जो भी हो, फिर आप उस पर आंसर करने काबिल होंगे। अदरवाइज आप माजत कर लेंगे, सॉरी सर मुझे इस बारे में इल्म नहीं है, मैंने इस पर मुतालिया नहीं किया हुआ, सिंपल सी बात करें और जान छुड़ा के आगे चलें। लेकिन अगर आपने मुतालिया किया, अच्छा किया हुआ है, तो फिर क्या करना है? फिर कहते हैं कि डिलिमिटेशन, एक कॉन्सेप्ट है डिलिमिटेशन, अकलमंद को इशारा काफ़ी होगा। डिलिमिटेशन का मतलब है कि 100 एतराजात बनते हैं ना जो किसी बिल, एक्ट या ऑर्डिनेंस पर, तो आप कहें सर हर लॉ, हर ऑर्डिनेंस, हर एक्ट में कुछ लूप्स होती हैं, एवरी लॉ हैज़ अ लूप, यानी चोर दरवाजा होता है हर कानूनी रास्ते में, बिल में और एक्ट में कोई ना कोई चोर दरवाजे होते हैं, इस तरह से आप जवाब देंगे। तो आप कहेंगे सर फी नफसी ही जो इसका इरादा था, इस ऑर्डिनेंस का, एक्ट का, बिल का, वो अच्छा है, औरतों पर तशद्दुद नहीं होना चाहिए, ये बिल अच्छा है, ट्रांसजेंडर सॉरी डोमेस्टिक वायलेंस बिल अच्छा है, ठीक है, होना चाहिए था, और इरादा भी ठीक है, इस तरह से ट्रांसजेंडर एक्ट ये भी ठीक है कि जो थर्ड पार्टी है मेल और फीमेल के अलावा जो पार्टी होती है, इंटरसेक्स कह लें, ट्रांसजेंडर कह लें, और जो भी आप डेफिनेशन पर, फिलहाल मैं नहीं जा रहा, वैसे आपको बता रहा हूँ एक आइडिया देने के लिए कि जो भी है वो थर्ड पार्टी, उनके हुकूक पर बात होनी चाहिए थी और वो हुई है, अच्छा हो गया कि हो गई। इस तरह से एम्पलीफायर एक्ट था जिस पर तशद्दुद फैलाया जा रहा था और रवादारी के खिलाफ बातें होती थी, तो उसके हक में, उसके खिलाफ वो ठीक हो गया, एम्पलीफायर एक्ट वगैरह जो भी है, इस तरह से और भी अच्छी बात है जी। लेकिन सर कुछ लूप्स होते हैं जिनकी वजह से कुछ गलत लोग उस कानून का नाजायज़ फायदा उठाते हैं, और देखें दुनिया के हर कानून में, बल्कि आइन्स में, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन हैं, पाकिस्तान का आइन है, दूसरे आइन हैं, उन सब में कुछ ना कुछ लूप्स होते हैं, चोर दरवाजे होते हैं, और ये ऑर्डर ही इस तरह, तरतीब इस तरह से दिए जाते हैं शायद कि इनके अंदर कुछ रखा जाए, कुछ ना कुछ कमी कोताही होती है, उसकी वजह शायद ये भी होती है कि सारी मुख्तलिफ कैटेगरीज के लोगों को जब इन्वॉल्व किया जाता है, उनको जेहन में रख के बनाया जाता है, तो उसमें कुछ ना कुछ कैटेगरीज तो उसमें फॉल करती हैं, कुछ ना कुछ को प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ ना कुछ बहुत फ़ायदे में रह जाती हैं, कुछ ना कुछ कैटेगरीज को उसकी कॉस्ट पे करनी पड़ती है, तो बहरहाल उसमें कुछ ना कुछ लूप्स होती हैं। सर इस कानून, इस बिल के अंदर भी कुछ लूप्स हैं, कुछ चोर दरवाजे हैं, अगर उन पर वर्क कर लिया जाए, वसी पैमाने पर देख कर, देखें वसी पैमाने पर देख के बात समझ लें, ये नहीं कहना कि मुझे ऐसा लगता है या हमारे मसलक के लोगों को ऐसा लगता है या जमात को लोग लगता है या एक जिन्स को लगता है, नहीं सर, वसी पैमाने पर लोगों मद्देनजर रखते हुए अगर देखा जाए, रिसर्च की जाए, तो समझ आती है कि कुछ चोर दरवाजे हैं, उन पर काम कर लिया जाए। तो सर फिलबदी फिलवक्त इस बिल में, इस एक्ट में मुझे जो काम चोर दरवाजे लगे, आपको तो 100 लगे होंगे ना, लेकिन वहाँ डिलिमिट कर लें, खुद को महदूद करें कि हाँ मैं 2 पर बात करूंगा, बस 3 पर बात करता हूँ, 1 पर बात करता हूँ, बस सर मुझे काफ़ी लगे हैं, लेकिन मैं 2 जो है ना सबसे बड़े मैं महसूस कर रहा हूँ, उन पर अगर काम कर लिया जाए तो ये बहुत अच्छा एक्ट हो जाएगा, मिसाल के तौर पर। अब समझ आ रही है आपको? ये नहीं कहना कि जी सारे गलत है, ट्रांसजेंडर एक्ट है ही गलत है, गैर इस्लामी उन कट के बाहर मार, नहीं, ये किसी ने भी अभी तक नहीं बोला, किसी आलम दीन ने नहीं कहा। असल में मसला ये है कि इसमें जो ट्रांसजेंडर की डेफिनेशन है ना, उसमें एक चोर दरवाजा है कि क्या वो बायोलॉजिकली फिक्स्ड थर्ड जेंडर है, वो ट्रांसजेंडर इससे मुराद है, या कोई भी बंदा कहे कि सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी कि मैं भी ट्रांसजेंडर हूं, मैं मेल के बजाय अपने आप को फीमेल डिक्लेयर करवाना चाहता हूं, क्योंकि मुझे फेल मेल रहकर ना कुछ बेनिफिट्स नहीं मिल रहे, फीमेल मिलकर शायद
बेनिफिट ज्यादा मिल जाए, तो उसमें कुछ ना एम्बिग्विटी है, इबहाम है। अगर वो सही कर दिया जाए तो बाकी सारा एक्ट बहुत अच्छा हो सकता है। एक बात। दूसरा सर, मुझे काम इसमें जो चोर दरवाजा लगा है वो ये है कि जो ठीक है ट्रांसजेंडर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग खुनसा या थर्ड जेंडर जो है वो डिक्लेयर हो गया, ओके फाइन। अब ये है कि उसको जो आइडेंटिटी देनी है वो उसका अपना प्रोसेस नहीं हो सकता या होना चाहिए। एक खुनसा है वो उसको बेनिफिट ज्यादा मेल में लग रहे तो मेल डिक्लेयर कर ले, फीमेल लगे तो फीमेल कर ले। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पर बायोलॉजिकल मेडिकल जो एक पूरा प्रोसेस है वो होना चाहिए, जो कि दुनिया के मुहज़्ज़ब माशरों में, तरक्की याफ्ता माशरों में होता है। कहीं भी किसी बंदे की अपनी मर्जी और मंशा पर नहीं छोड़ दिया जाता कि आप कौन है कौन नहीं है। किसी भी दुनिया के मुहज़्ज़ब माशरे में ऐसा नहीं होता। ऐसे तो दरहम बरहम हो जाएगा ना सारा निज़ाम। एक जो खुनसा है थर्ड जेंडर है वो अपने आप को मेल कह के मेल्स के अंदर घुस जाए, बेनिफिट्स ले ले, बाद में फिर फीमेल डिक्लेयर करके फीमेल से ले बेनिफिट्स, और जो दूसरे फर्स्ट जेंडर है सेकंड जेंडर है मेल फीमेल वो उनसे तबाह बर्बाद हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए उनका सारा जो फैब्रिक ऑफ लाइफ है। तो मेरा कंक्लूजन करने लगा हूँ, सिंपल जवाब आपने क्या देना है सर, एवरी लॉ हैज़ अ लूप, हर कानून के अंदर कोई चोर दरवाजा होता है। कानून फी नफसी बुरा नहीं होता, अच्छा ही होता है। तो इस कानून को भी हम अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने थर्ड जेंडर के ऊपर, इंटरसेक्स या जो भी आप कहना चाहते हैं, खुनसा लोगों के हकूक पर बात किया, पहली दफ़ा हुआ, बहुत अच्छी बात है, आई अप्रिशिएट। लेकिन इसमें बहुत जो इबहाम हैं, कुछ इबहाम हैं, कुछ चोर दरवाजे अगर उन पर काम कर लिया जाए तो ये बहुत अच्छा हो सकता है। पहली बात सर जी, डेफिनेशन जो है वो या डिफाइन कर लिया जाए अच्छी तरह से, कैटेगरी जो है वो उसमें स्पेसिफाई कर दिया जाए कि सिर्फ ये लोग ट्रांसजेंडर में फॉल करेंगे। हर टॉम डिक एंड हैरी ट्रांसजेंडर नहीं डिक्लेयर कर सकता खुद को और फायदा नहीं ले सकता। जैसे पाकिस्तान में होता है, ज़कात माफ़ करवानी हो तो एक खास फिरके का नाम लिखवा लेते हैं, ज़कात माफ़ हो गई। शराब बेचनी हो तो होता मुसलमान है, अपने आप को जो है वो किसी और मजहब से डिक्लेयर करवा के कानून सर्टिफिकेट्स लाइसेंस ले लेते हैं शराब बेचने के लिए। पाकिस्तान में ऐसे ही होता है जी। तो सर इस तरह से हमारे सामने हैं, लोग फिरका बदल के ज़कात से बच जाते हैं, मजहब चेंज करके तो शराब बेचने शुरू कर देते हैं और मसाइल खड़े करते हैं। सर एक तो डिफाइन कर लिया जाए कौन सी कैटेगरी इसमें फॉल करते हैं, दूसरा सर ये कर लिया जाए कि जो आइडेंटिटी होगी उसके बाद जो ट्रांसजेंडर को वो लीगल मेडिकल और बायोलॉजिकल तरीके से दी जाए, ना कि एक बंदा खुद सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी डिक्लेयर कर ले अपनी। सर मैं दो जो है ना इनके ऊपर मैं समझता हूँ अगर काम कर ले जाए तो ये बेहतर हो सकता है। ठीक है, आपको अब चलें ये जो आप तो एंड हो गया, अब आपको लग सकता है कि 10 हैं, 2 नहीं है, 10 इसमें खामियां हैं, ठीक है, लेकिन उतनी खामियों पर डिस्कस करें जितना आपके पास ए टू जेड नॉलेज है। ऐसे ना अपने लिए कब्र खोद लें, ये भी गलत है, ये भी गलत है, फिर वो आपसे जब क्वेश्चंस करेंगे तो आप खाली होंगे। ऐसी बात ही ना करें कि आपसे वो कुछ साइंटिफिक क्वेश्चन पूछना शुरू कर दें, मेडिकल क्वेश्चन पूछना शुरू कर दें और परेशानियां आपके लिए खड़ी हों। अगर आप मेडिकल की बात करें तो आपको पता होना चाहिए मेडिकल प्रोसेस क्या होता है किसी को डिक्लेयर करने के लिए कि मेल है फीमेल है। आप डेफिनेशन की बात करें तो आपको पता होना चाहिए डिफाइन कैसे करते हैं चीज़ों को, डेफिनेशन कैसे बनती हैं। दो चीज़ों पर फोकस कर लिया जाए तो सर ये एक्ट, ये ऑर्डिनेंस इस तरह से डोमेस्टिक वायलेंस है तो आपने कहना सर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है बहुत अच्छा था, बिल अच्छी तरह से पास हुआ, लेकिन उसमें कुछ वही जवाब उसी तरह से आप रिपीट करेंगे जैसे मैंने बता दिया कि हर कानून में सिर्फ चोर दरवाजे होते हैं। तो इसमें कुछ खामियां हैं, अगर उनको दूर कर लिया जाए तो ये बहुत अच्छा एक्ट है। उसमें ये है कि सबसे बड़ी जो इसमें मुझे खामी नज़र आई है, मेरी समझ में आई है इसको स्टडी करके, इस पर रिसर्च करके, लोगों से पूछ के, कि कई खामियां हैं लेकिन जो मुझे समझ आई है कि डोमेस्टिक वायलेंस को कौन सी चीज़ें डोमेस्टिक वायलेंस में फॉल करेंगी और क्या इसकी कोई इन्वेस्टिगेशन कोई रिपोर्ट वगैरह भी हो कि नहीं हो। इसमें तो इस तरह लिखा हुआ है कि जैसे ही फ़ोन करे बीवी और वो आए और खामन को पकड़ के इतने दिनों के लिए जेल में डालें, उसको छितर मारें और जो है इस तरह से तो घर तबाह बर्बाद हो जाएंगे, सोसाइटी का जो फैब्रिक है वो ख़त्म होकर रह जाएगा। तो इसमें सर पूरी प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए जिसके बाद डिक्लेयर किया जाए कि हाँ ये चीज़ गलत है या नहीं है। हमारे सामने सोसाइटी में कई मिसालें हैं सर, जो स्कैंडल सामने आते हैं, केसेस सामने आते हैं, लेकिन उसके बाद अचानक से पता चलता है कि जी
इसका ड्रॉप सीन हो गया जी, पता चला जी ऐसा था नहीं। और रिसेंटली एक प्रोफेसर के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था एक स्टूडेंट ने कि उस हरास किया और उस प्रोफेसर ने सुसाइड कर ली, उसके बाद पता चला जी वो तो फॉल्स एक्यूजेशन था, एलिगेशन था। तो सर इस पर ड्यू प्रोसेस और ड्यू कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, तब जाकर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट या बिल बहुत अच्छा हो सकता है। देखें कई एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, मैं अपने तालबिलमाना तरीके से बता रहा हूँ कि मुझे एक लगा और भी हो सकते हैं। इस तरह से एम्पलीफायर एक्ट था, उस पर भी अगर बातचीत होती है, वो शायद आपको पता हो जब ये धमाके वगैरह हुए थे, वो APS का जब वो हुआ था हादसा, उसके बाद एम्पलीफायर एक्ट लागू हुआ था पाकिस्तान में कि स्पीकर के अंदर जो है वो अजान के अलावा कुछ नहीं बोला जाए। तो सर ठीक है, अच्छी बात है, तो लेकिन उसके कुछ उसमें भी कुछ लूप्स हैं जिन पर काम किया जाना चाहिए। ठीक है, इस तरह से आप उसकी स्टडी कर लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। काफ़ी लंबी होगी है तो उम्मीद है ये आपको फ़ायदा देगी। इसमें किसी को इस्लाह महसूस हो तो मेरी भी इस्लाह फरमाएं। थैंक यू सो मच, जज़ाकअल्लाह।